प्रणाम गुरुजी। प्रणाम। आपका हुक्म सराखों पर। आपको पता है कि मयंक कहाँ है? नहीं तो हमें लगा तुम्हें पता होगा कहाँ गया है। नहीं, हमें तो नहीं पता, बल्कि हमें लगा कि वो आपसे कहकर गया होगा। देखिए ना दीदी, 10 बज रहे हैं और वो अभी तक नहीं आया। उसे फोन लगाओ ना, पूछो कहाँ है। किया था फोन, फोन भी स्विच ऑफ आ रहा है। देखो सीमा, चिंता मत करो, आ जाएगा। क्या भाभी आप भी, अरे बेचारे बैचलर को उसके कुंवारेपन के आखिरी दिन में एंजॉय तो करने दीजिए ना, वरना बाद में क्या पता ये सुख उसके नसीब में हो या ना हो। अच्छा जी, जरा फिर से बोलना तो। रचना कोई भूत नहीं, कोई मजाक कर रहा होगा। रचना नहीं गुजर, हमने कसम से वहाँ भूत देखा, सफेद जोड़ा सा। हम झूठ नहीं बोल रहे हैं। ओफ ओ रचना, चलो दिखाओ। मत जाओ, मत जाओ। अरे यार, जाके देखना तो पड़ेगा ना। नहीं नहीं गुजर, प्लीज मत जाओ। क्या उल्लू काटा इन लड़कियों का यार, मजा आ गया। भीगी बिल्ली क्या भागी है। अब देखना, रात भर गई उनकी नींद गायब। कमाल है, ये लड़कियां होती ही डफर है। इनके टॉप फ्लोर में कुछ होता ही नहीं है। कौन है? कौन है वहाँ? ये वही आइटम पागल सी है। इससे पहले कि यहाँ देख ले, उठवा यहाँ से। चलो चलो। खाना वाना बन रहा है या फिर शैतानियाँ चल रही हैं सिर्फ? गुरुजी, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? हमें काम से फुर्सत मिले तो हम कुछ सोचे या करें ना। हम सब काम में। झूठ बोल रहा है ये। सर, हम लोग जंगल की ओर लकड़ियां कलेक्ट करने गए थे। वहाँ पर ये लड़के भी थे। इन्होंने छुपकर भूत बनकर हम सबको डराया। जरा सोचिए, अंधेरे वीरान जंगल में ऐसे किसी को अचानक डराना। हाँ सर। एक्सक्यूज मी, तुम कहना क्या चाहती हो? हम सब यहाँ तब से काम कर रहे हैं। ये खाना, ये रोटी सब्जी कहाँ से आई? तुम्हारे घर से? और ये अब आई बात मेरे समझ में। ये मेरी ऑसम पर्सनालिटी का दोष है। ओह रियली? प्लीज जस्ट कट द क्रैप। और मुझे सिर्फ इतना बताओ मिस्टर ऑसम पर्सनालिटी, तुम्हारी ये टॉर्च जंगल में क्या कर रही थी? क्या कर रही थी? क्या कर रही थी? बताओ ना, क्या कर रही थी? और कौन कौन इन्वॉल्व था इस बकवास की हरकत में? सामने आओ। गुड। तो आजकल लड़कियों का काम तुम सब करोगे। खाना बनाओगे, टेंट लगाओगे, लकड़ियां तोड़ के लाओगे जंगल से। हाय राम, किसकी हाय लग गई हमारे चांद के टुकड़े को। हे भगवान, कितनी परीक्षा ले रहा है हमारी। पापा, मुझे ये शादी नहीं करनी है, क्योंकि मैं चारों से प्यार नहीं करता। मेरा बच्चा कहाँ चला गया? भाई साहब, न जाने क्यों हमें लग रहा है कि मयंक कहीं चला तो नहीं गया होगा ना।